आपके लिए एक कॉजी कॉर्नर, और या फिर आप रीडिंग नूक भी कह सकते हो, एक कॉर्नर आइडिया जहाँ पे हम अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम किताबें पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक कॉर्नर एरिया का अरेंजमेंट और डेकोरेट आइडिया लेके आई हूँ। हम अक्सर अपने कॉर्नर एरिया को छोड़ देते हैं, बट अगर हम उस एरिया को अच्छे से डेकोर कर लें तो वो एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने उसको कुछ लाइट से और कुछ DIY करके उसको मैंने डेकोर किया है। तो आप देखो कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, मेरा फर्स्ट DIY ये लैम्प है, जिसको कि मैंने एक वेस्ट कार्डबोर्ड से बनाया है। तो ये आप देख सकते हो, मेरे पास ये रसगुल्ले का बॉक्स पड़ा हुआ है, तो जिसका मैं अभी लैम्प बनाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये ऐसा है कुछ, इसकी हाइट और इसकी विड्थ ऐसी है। और उसके बाद अभी मैं इस पर मार्क करूँगी। आपको जिस भी हाइट का, जिस भी लेंथ का रखना है या जिस भी विड्थ का रखना है, आप उसके हिसाब से ही अपना माप कर सकते हो या मार्क कर लीजिए। तो मैं ये स्केच पेन की मदद से इसको मैं मार्क कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि हमारी जो चौड़ाई लंबाई चारों साइड में एक ही जैसी हो। तो अभी मैंने मार्क करके, अभी मैं इसको कटर से कट करने वाली हूँ। ये मैं कट से कट करके थोड़ा थोड़ा निशान लगा ले रही हूँ। तो अभी मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने कट कर लिया है इसको, और मैंने ये चारों साइड से अच्छे से जो भी मुझे विड्थ और लेंथ चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है। तो अभी ये ऐसा दिख रहा है बिल्कुल। फिर उसके बाद ये इसका जो ऊपर का एरिया है, मैं इसको अच्छे से फेविकोल की मदद से, या आप ग्लू स्टिक से भी, किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से सिक्योर कर लो। फिर ये देखिए, मेरे पास कुछ प्लास्टिक्स थे कलरफुल, जिससे मैंने चिपकाया है, और इसको मेरे पास कुछ डेकोरेटिव लेसेस थे जिससे मैंने इसको डेकोर कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो, ये ऐसा दिख रहा है। मैंने चार कलर के यूज़ किए हैं जो भी मेरे पास ये प्लास्टिक थी। तो गाइज, ये मेरा कॉर्नर ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम इसकी पहले तो साफ़ सफाई कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए मैंने पूरे स्पेस को एम्प्टी कर लिया है, सारी चीज़ें हटा ली हैं यहाँ से। उसके बाद मैं अभी इस पर गद्दा लगाने वाली हूँ। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था और ये गद्दा था मेरे पास, तो मैंने इसको ऐसे बिछा लिया है, और एक ब्लू कलर की बेडशीट डाली है। आपके पास जो भी कलर की बेडशीट हो आप उस पर डाल सकते हो। तो इसको मैं अच्छे से पहले हर जगह से स्टिक कर ले रही हूँ, ताकि कि कोई भी जगह निकले ना, बेडशीट कहीं से भी निकले ना, अच्छे से सिक्योर कर ले रही हूँ मैं इससे। उसके बाद मैं एक साइड में अपना ये लैपटॉप रख रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो, मैंने एक साइड में अपना लैपटॉप रखा है। मैं अपना लैपटॉप को हमेशा थोड़ा ढक के ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत धूल की वजह से ऊपर का एरिया भी गंदा हो जाता है। तो इसके बाद मैं अपना चार्जर पॉइंट और अपने ये माउस को भी इधर ही रख रही हूँ, ताकि मुझे ईजी हो हर एक चीज़ लेने के लिए। आप ये देख सकते हो, मैंने एक साइड में ऐसे रख लिया। अब दूसरी, ये मेरे पास एक टेबल थी, मैंने एक टेबल ली थी जो कि फोल्डेबल टेबल है, तो उस पर भी मैंने रख लिया है। और ये दो कैंडल होल्डर मैंने इस पर रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने DIY करके एक ड्रॉअर बनाया था, जिसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप इसको चेक कर लेना। इसको भी मैं एक साइड रख रही हूँ, ताकि मुझे कोई भी नोट्स और कुछ भी स्टेशनरी आइटम लेने हो कि मुझे इजी लगे। उसके बाद एक साइड मैंने ये फ्लावर पॉट रखा है, फिर दूसरी साइड भी मैं एक, और मेरे पास फोल्डेबल टेबल थे इस कॉर्नर में, जिसको कि मैं अभी रखने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये फोल्डेबल टेबल है, इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद अभी मैं इसके ऊपर जो मैंने DIY करके लैम्प बनाया है, तो उसको मैं अभी यही इस पे रखने वाली हूँ। तो ये आप देख लीजिए, ये मैंने लैम्प रख लिया है। और उसके बाद ये वाले भी एक लैम्प मैंने जो बनाया था, फ़ोटो लैम्प, ये भी मैंने DIY करके बनाया था। इसकी भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
तो उसके बाद ये आपके पास जो भी कलर का पिलो कवर हो आप उसको रख सकते हो। तो मैंने इसको पॉप अप करने के लिए मैंने ग्रीन कलर का पिलो रखा है इस पे, जो कि ब्लू शेडेड में बहुत ही पॉपअप कलर दे रहा है। उसके बाद मेरे पास ये दो कुशन है जिसको मैं रख रही हूँ। ये कुशन मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, आप देख सकते हो इसे। और फिर उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ आपको। गाइस ये आप देख सकते हो, ये इसका लाइट ऑफ करके ये लुक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। आप देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो आप ये आइडिया ज़रूर ट्राई करना। ओके तो गाइस आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये कॉर्नर एरिया का डेकोर कैसा लगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मुझे इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए या कुछ क्या नया ऐड करना चाहिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए जल्द मिलते एक न्यू आइडिया और न्यू वीडियो के साथ, उसके लिए गुड नाइट बाय।